अस्सलाम वालेकुम। आज है अनवर भाई की बेटी की शादी। मरुम अनवर भाई जो हमारे अनवर भाई थे, अनवर बाबा बहुत से लोग बोलते थे, अनवर बाबा बोलते थे, तो उनकी बेटी की आज शादी है। और भाभी ने मुझे सबको बोलने बोले थे, तो मेरे पास जिसका नंबर था मैंने बोली हूँ। और आज सब लोग आ जाना मालोनी 8 नंबर पे पतंग ग्राउंड में, है ना। अनवर भाई के जो दोस्त है, जो अनवर भाई को चाहने वाले है, जो जानने पहचानने वाले है, तो प्लीज उस बच्ची के लिए, अनवर भाई के लिए आना। क्योंकि अनवर भाई अगर रहते, हयात रहते, तो आप लोग तो आते ही ना, तो अभी वो नहीं है। तो उस बच्ची को दुआ देने के लिए आप लोग सब लोग जरूर आना मालोनी 8 नंबर पतंग ग्राउंड में, ना 8 नंबर ना, हाँ मालोनी 8 नंबर पतंग ग्राउंड में, ठीक है। तो आप लोग जरूर जरूर आना। और केजीएन महिला मंडल में मैंने ग्रुप में डाली हुई, तो सब लोग आना। रुखसार, समदान, फातिमा आपा, मंसूरी आपा, फरजान आपा, सब लोग जो ग्रुप में सुनेंगे तो प्लीज आना। और जितने अनवर भाई के दोस्त लोग हैं, सब लोग आना। उस बच्ची की शादी, अनवर भाई की बड़ी बेटी की शादी है। और फिलहाल अभी अनवर भाई नहीं है, तो हम लोग सब, और जब अनवर भाई थे तभी मैंने अनवर भाई से कमेंट करी थी कि मेरे से जो हो सकेगा मैं बच्ची की शादी में करूंगी, तो बस जो भी हो सका। और मैंने अनवर भाई से पहले ही बोली थी कि बच्ची की शादी में जितने लोग का भी जो भी खर्चा आएगा वो मैं ही करूंगी शादी का, क्योंकि अनवर भाई पहले से टेंशन में थे। तो इंशाल्लाह जो सलाह ने चाहा, तो वो मैंने मेरा फर्ज अदा करी, क्योंकि वो मेरे भाई थे, है ना। मैं हल्दी में नहीं सब में जा पाई क्योंकि मैं गई थी कोकन, और अभी जा रही हूँ शादी में। तो आप लोग जरूर जरूर सब लोग आना उस बच्ची को दुआ देने के लिए, है ना। ऐसा नहीं कि अभी अनवर भाई नहीं है तो हमारा, हम लोगों का उन लोगों से कुछ रिश्ता नहीं है, वो जिंदगी भर रिश्ता रहेगा। हमारी भाभी है, जिंदगी भर रहेगी, और उनके हर एक सुख दुख में हम लोग खड़े रहेंगे, क्योंकि अनवर भाई से भी हमारा भाई जैसा रिश्ता था, है ना। तो आप लोग प्लीज सब लोग शादी में आ जाओ। आज 26 तारीख है ना, आज, हाँ आज 26 तारीख है, तो आप लोग सब लोग जरूर शादी में आओ।